मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसे कि आप जान चुके हैं कि आज का हमारा वीलॉग का मौजू हज़रत मियां मीर बाला पीर है। अगर आप रेलवे स्टेशन से धर्मपुरा आएँ या फोर्ट्रेस स्टेडियम से इन्फेंट्री रोड पर आएँ तो इस मशहूर रोड से जब आप गुज़रें तो आपको ये सड़क एक छोटे रास्ते पर ले जाती है जो मियां मीर रोड के नाम से मकबूल आम है। यहाँ मियां मीर रोड, मियां मीर अस्पताल, मियां मीर स्कूल, मियां मीर बिल्डिंग, यहाँ तक कि अंग्रेज़ दौर में यह इलाका मियां मीर छावनी के नाम से भी मशहूर था। अब हम मियां मीर मस्जिद और मज़ार के अहाते में दाखिल हो चुके हैं। हज़रत मियां मीर बाला पीर 1550 ईस्वी में सेवन शरीफ सिंध में पैदा हुए। 25 साल की उम्र में सेवन शरीफ से निकले और लाहौर में सुकूनत इख्तियार कर ली। तकवा और परहेजगारी का यह आलम था कि मुग़ल बादशाह भी उनकी इस्लामी भरने पर मजबूर थे। आप जो मेरे दाएं जानब मस्जिद और बाएं जानब मज़ार देख रहे हैं, ये दारा शिकोह की काविश से बना, लेकिन बहुत मुश्किलों के बाद इसको दोबारा आलमगीर बादशाह ने तामीर किया। आप मियां मीर ने अकबर बादशाह से लेकर औरंगज़ेब आलमगीर तक का दौर भी देखा। ये तमाम अकबर बादशाह, जहांगीर, शाहजहां, उसका बेटा दारा शिकोह, हत्ता के औरंगज़ेब आलमगीर भी उनकी इस्लामी के लिए आया करते थे। आप मियां मीर बहुत परहेजगार और मुत्तकी शख्सियत के हमल थे, जहां तक के फनाफिल्ला के दर्जे तक पहुंच चुके थे। मज़ार के अंदर एक तख्ती नस्ब है जिससे ये ज़ाहिर होता है कि आपकी नस्ल हज़रत उमर बिन ख़ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिलती है। आपकी तारीख़ वफ़ात 7 रबीउल अव्वल 1636 ईस्वी में है, जिसके लिए 3 दिन का उर्स का मेला इस दरबार पर लगाया जाता है। आप मुसलमानों के साथ साथ हिंदू, सिख और दूसरे मज़ाहब के लोगों के साथ भी बहुत खुश उसलूबी से मिला करते थे। ये जो आप मस्जिद देख रहे हैं, इसको दारा शिकोह ने शुरू किया, लेकिन उसके कत्ल के बाद आलमगीर ने इस मज़ार को और इस शाही मस्जिद को मुगलिया फन तमीर के मुताबिक तामीर किया। दीदा ज़ेब मस्जिद है, देखने के काबिल है। मस्जिद के चारों तरफ मेहराबों वाले बरामदे बनाए गए हैं जो मुगलिया फन तमीर का एक हिस्सा है। आजकल इसके एक हिस्से में सामने देख रहे हैं, दरख्त के नीचे वुजू खाने बनाए गए हैं और एक दरवाज़ा आपको सामने नज़र आ रहा है, ये दूसरा दरवाज़ा है और एक वो दरवाज़ा जिसे हम दाखिल हुए हैं। यहाँ पर देख रहे हैं मज़ार। मज़ार एक खूबसूरत चबूतरे के ऊपर मुस्ततील नुमा शक्ल का बनाया गया है, जिसके गुंबद के नीचे दरवाज़े के ऊपर और साइडों पर बहुत खूबसूरत कारीगरी से काम किया गया है। आम लोगों से लेकर बादशाहों तक मियां मीर के अकीदतमंद थे। मियां मीर अपने अकीदतमंदों से, नजराने और ख़ास तौर पर बादशाहों से तोहफ़े तहाइफ़ लेने के सख्त इनकारी थे। हत्ता के बादशाह भी आपकी इजाज़त के बग़ैर खानकाह में दाखिल नहीं हो सकते थे। शहज़ादा दारा शिकोह मियां मीर की तालीमात से बहुत मुतासर था और इसी शहज़ादे ने हज़रत मियां मीर की ज़िंदगी पर एक किताब लिखी जिसे सकीनतुल औलिया कहते हैं। सिख मत के लोग भी इनकी तालीमात से बहुत मुतासर थे, ख़ास तौर पर सिखों के पांचवें गुरु अर्जन देव भी आपसे बहुत मुतासर थे और मोहब्बत और अकीदत रखते थे और अक्सर इनकी खिदमत में हाज़िर होकर उनसे फैज़ हासिल करते थे। कहा जाता है कि गुरु अर्जन देव ने मियां मीर से मुतासर होकर हरिमंदर साहब की संग बुनियाद रखने की दरख्वास्त की थी। सिख मज़हब के पैरोकार आज भी आपसे बहुत अकीदत और प्यार रखते हैं। हज़रत मियां मीर का मौजज़ा ये था, जब उनकी करामात ये थी कि वो जो भी दुआ मांगते थे अल्लाह ताला उनकी दुआ को
ज़रूर कबूल करते थे और यही उनकी शोहरत की वजह थी। उनकी ज़िंदगी के बेशुमार करामात हैं और उन सब से जो बड़ी करामत ये थी कि वे जो दुआ मांगते थे कबूल होती थी। दुनिया में इनका मज़ार आपको हमारे पीछे नज़र आ रहा है, इनका उससे मुबारक था। यहाँ अकीदतमंदों का हजूम था और हजूम तो उनका मज़ार पर हर वक्त अकीदतमंदों का रहता है। आज जब भी आए लाहौर में तो इस वलीउल्लाह के मज़ार पर हाजिर दें। ये मियां मीर के दरबार के अंदर हम जाते हैं, खुदा तआला की ख़ास तजलियात यहाँ पर नाजल होती हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत मियां मीर। मज़ार की अंदरूनी तज़ीनो आराइश देखने के काबिल है, ये भी मुगलिया दौर में ही पाया तकमील तक पहुँची। मज़ार पर अकीदतमंदों का हर वक्त हजूम रहता है। अंदर से मज़ार बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। ये वो जिंदा पीर होते हैं जो लोगों की मुश्किलात और मसाइब में अपनी सारी ज़िंदगी सर्फ करते हैं। उनके मरने के बाद भी लोग उनसे बहुत अकीदत रखते हैं। हज़रत मियां मीर बाला पीर ऐसी साहिब करामत हस्ती थी कि जो दुआ मांगते थे कबूल होती थी। हमने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार मज़ारों पर हाज़िरी दी है, लेकिन जो इस मज़ार पर दिली सुकून और ज़हनी सुकून और इत्मीनान हासिल हुआ है और किसी मज़ार पर नहीं हुआ। अकीदतमंद हाज़िरी देते हैं, फूल निछावर करते हैं और दुआए खैर मांगते हैं। मियां मीर अपने अकीदतमंदों से बहुत खलूस, प्यार और मोहब्बत से पेश आते थे। हमने भी मज़ार पर हाज़िरी दी, फातिहा खानी की और ज़हन सुकून हासिल किया। अकीदतमंद मज़ार पर रोज़ाना हाज़िरी देते हैं और दुआ खैर करते हैं और ख़ुद भी फैज़याब होते हैं। मियां मीर मज़ार के पहलू में दो कब्रें हैं। बिल्कुल मज़ार के सामने एक छोटा सा कब्रिस्तान है जिसमें मियां मीर के किदतमंद और उनके खिदमतगारों की कब्रें हैं। जी, मियां मीर बाज़ार के बैक साइड पर एक बरादरी है जो बहुत खूबसूरत बनी हुई है। यहाँ लोग मुसाफिर लोग आते थे, बैठते थे, आराम करते थे। इस कब्रिस्तान में बहुत नामी ग्रामी लोगों की कब्रें मौजूद हैं। अगर आप नाम पढ़ सकते हैं तो देखें कैसे कैसे लोग यहाँ दफन हैं। ये कब्र सैयद मोहम्मद अली की है जो पाकिस्तान के एक मशहूर फिल्म एक्टर थे, वो भी इसी मियां मीर दरबार के अहाते में मदफून है। ये मस्जिद और इसकी चारदीवारी मुगलिया फन तमीर का एक बहुत शाहकार है। ये जी वज़ू खाने हैं और यहाँ लोग वज़ू करते हैं। पुराने दरख्त जो अंदर ही लगे हुए हैं वो भी मौजूद हैं। ये आप एक जगह देख रहे हैं कि इस छोटी सी चारदीवारी के अंदर हज़ारों की तादाद में कबूतर आते हैं और दाना चुगते हैं और उड़ जाते हैं। लोग इस हयाते में बाजरे के दाने, गंदम के दाने साथ लेकर आते हैं जो इन कबूतरों की खुराक है। यहाँ पर कभी वुज़ू करने के लिए पानी के तालाब होते थे जो वक्त के साथ साथ ख़त्म हो गए।
हज़रत मियां मीर की बेशुमार करामतों में से एक करामत ये भी थी कि जब शाहजहां का बेटा दारा शिकोह इंतहाई बीमार हुआ और दिल्ली के तमाम हकीमों ने जवाब दे दिया तो वो इन्हीं हज़रत मियां मीर की दुआओं से सेहतयाब हुआ। जी, मज़ार के अहाते में जो एक शाही मस्जिद बनाई गई थी, ये आलमगीर ने बनाई थी, ये अभी तक उसी तरह से कायम व दायम है। अगरचे इसमें कुछ तब्दीलियाँ आई हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर इसमें अजान की आवाज़ 5 वक्त गूंजती है। जी, अब हम इस मज़ार से निकलकर हज़रत मियां मीर के एक मुरीद के मज़ार पर चलते हैं जो बिल्कुल करीबी वाक़या है। ये जी मियां नत्था पाक सरकार का मज़ार की एंट्रेंस है। हज़रत मियां नत्था शाह दीवान कादरी का मज़ार है और ये मियां मीर बाला पीर सरकार के बहुत ख़ास मुरीद थे। अल्लाह ताला ने इनको भी बहुत शर्फ बख्शा और इनका भी नाम बुलंद किया। कब्रिस्तान के अंदर ये मज़ार है, हज़रत नत्था शाह दीवान का मज़ार है, मुरीद ख़ास हज़रत मियां मीर। अपने आप को ना था जो आहिस्ता आहिस्ता नथा बन गया, लेकिन अपनी नफ़ी करके इन्होंने ये मुकाम हासिल किया।